उधर मुंबई में बारिश के कारण सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे बन चुके हैं। नतीजा आए दिन बड़े गड्ढे ये हादसे की वजह बन रहे हैं। बीजेपी के एक नेता ने विक्रोली हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसमें स्कूटी सवार गड्ढे की वजह से सड़क पर गिर जाता है। बीएमसी ने पल्ला झाड़ते हुए कहा कि यह सड़क उनके अंडर में नहीं आती। ये जवाब उसी बीएमसी का है जिसका बजट करोड़ों में है। रात के अंधेरे में सड़क पर स्कूटी सवार जा रहा है, तभी स्कूटी का बैलेंस बिगड़ता है और तभी वो शख्स सड़क पर गिरा हुआ नजर आता है। लाइव हादसे का ये वीडियो मुंबई के विक्रोली इलाके का है और इस हादसे की वजह है सड़क पर बना गड्ढा। इस शख्स ने हेलमेट पहन रखा था जिसके चलते इसकी जान बच गई। 20 जुलाई को हुए हादसे का ये वीडियो बीजेपी के नेता ने सोशल मीडिया पर शेयर किया और बीएमसी से गड्ढे भरने की मांग की। मुंबई महानगर पालिका 24 साल में 21,000 करोड़ रुपए खर्चा करने के बाद भी हर साल की तरह इस साल भी आम मुंबईकर सड़कों में गड्ढे है ना, और गड्ढे में सड़क, इस तरह का जीवन जीने के लिए मजबूर है। मुंबई में सड़क पर बने गड्ढे लोगों के लिए खतरा बनते रहे, लेकिन इन गड्ढों पर बीएमसी की बेशर्मी देखी। बीएमसी गड्ढे भरने के बजाय मामला एमएमआरडीए का बताकर पल्ला झाड़ती नजर आई, लेकिन न्यूज नेशन ने जनता की सरोकार से जुड़ा मुद्दा होने की वजह से खुद सड़क पर उतरकर जायजा लिया तो कहां कितने गड्ढे हैं। मेरे और आपके बीच में आप जो ये जो पानी देख रहे हैं, ये न कोई तालाब है, न झील है और न ही कोई पानी का चश्मा। दरअसल ये एक खड्डा है जो कि मुंबई की सड़कों पर आम तौर पर देखने को मिल रहा है। मैं तस्वीरों के जरिए आपको बताता हूँ कि किस तरीके से लगभग 8 से 12 फीट बड़े खड्डे जो हैं इस समय मुंबई की सड़कों पर बन चुके हैं, जिसमें से ये इकलौता है। अगर यहाँ पर दूसरी तरफ भी नजर डालें तो आपको ऐसे कई खड्डे जो हैं नजर आ जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से जो ऑटो रिक्शा है वो बड़ी मुश्किल से यहाँ से गुजरने को मजबूर हैं, क्योंकि बारिश की पहली फुहारों के बाद से ही इस किस्म के पॉटहोल्स जो हैं वो कई सड़कों पर बन गए हैं। अंधेरी कुरला रोड पर कई फीट चौड़े गड्ढे हो चुके हैं और इन गड्ढों में बारिश का पानी भरा हुआ है। सोचिए बारिश के सीजन में ये गड्ढे कितना बड़ा खतरा बन रहे हैं। जब बरसात का पानी भरा होता है तब ये जो गड्ढे हैं ये और ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं, क्योंकि बरसात के दिनों में जब इन सड़कों पर पानी भरा होता है तो ये जो गड्ढे हैं ये मुंह खोलकर अपने शिकार का इंतजार कर रहे होते हैं, और ज़्यादातर जो बाइकर्स होते हैं वो इन गड्ढों के कारण हादसों का शिकार होते हैं, उनकी कई बार जान भी जाती है। पता नहीं चलता कहाँ गड्ढा है, कहाँ सड़क, आदमी जान भी जा सकता है। बहुत परेशानी होती है, रोज आने जाने का बहुत परेशानी है, बाइक का भी ट्रैफिक भी बहुत होता है, इसके वजह से गाड़ी इधर उधर घुमाती है। ये हाल सिर्फ एक सड़क का नहीं, मुंबई में जगह जगह इसी तरह के गड्ढे सड़क पर नजर आ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के पीछे की सड़क पर तो गड्ढे इतने बड़े हैं कि ट्रैफिक रेंगता हुआ चल रहा है। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पीछे का रास्ता है, और देखिए किस तरह से यहाँ पर ये 60 फीट रोड अब सिर्फ 30 फीट का रह गया है, क्योंकि बाकी जो 30 फीट है वहाँ कीचड़ बन गया है, गड्ढे बन गए हैं, पानी जो है वो पूरा भरा हुआ है। लिहाजा जो गाड़ी चालक हैं वो एक रास्ते से, यानी कि ये रास्ता कैसे सिकुड़ गया है और सिर्फ सिंगल लेन बनाकर यहाँ से चलने को मजबूर हैं। आपको हम पीछे की तस्वीर दिखाते हैं, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी आपको सिर्फ और सिर्फ कीचड़ दिखाई देगा, कीचड़ के नीचे गड्ढे हैं और यहाँ पर इलीगल पार्किंग का एक अड्डा जो है वो बन गया है। सोचिए ये हालात उस मुंबई के हैं जिसकी सड़क को चमचमाने का जिम्मा बीएमसी के पास और जिस काम में बीएमसी ने करोड़ों खर्च किए हैं। 24 साल में बीएमसी ने मुंबई की सड़कों के गड्ढे भरने में 21,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। 2013 से 14 के बीच सिर्फ एक साल में सबसे ज्यादा 3,201 करोड़ रुपए खर्च कर दिए थे। मुंबई महापालिका जो बीएमसी है वो उसके ऊपर काम कर रही है, और बारिश में कई जगह पर गड्ढे पड़ते हैं, जिसमें ना कह नहीं सकते, लेकिन पूरी तरह मरम्मत करना, बारिश में पैचवर्क करना, ये बीएमसी काम करती है। खुद मुख्यमंत्री जी बीएमसी के जो विकास प्रकल्प है उसके ऊपर ध्यान देते हैं। लेकिन हर बारिश में मुंबई की सड़कें गड्ढा बन जाती हैं, जिसे देखकर कोई कह नहीं सकता कि इन गड्ढों को भरने पर
बीएमसी ने इतना पैसा खर्च किया। मुंबई से विकास श्रीवास्तव और पंकज मिश्रा के साथ टीम न्यूज नेशन।